पर आज की प्रेस वार्ता का विषय क्या है? सिटी थाना में 2 तारीख की रात को पौने 11 बजे के आसपास एक कार की लूट रही थी और प्लस उसमें 7 लाख रुपए लूटने की इन्फॉर्मेशन आई थी जिस पर रजिस्टर्ड कर दिया था। और जब उनसे ज़्यादा पूछताछ की कि पैसा कहाँ से आया और किस किस को मालूम था, तो उस पर बात करिए जो उनका दोस्त था उसको और उसके ड्राइवर को पैसे के बारे में मालूम होता है, तो उस इन्फॉर्मेशन को आगे डेवलप करते हुए और हमारी सिटी इन्फॉर्मेशन पे जो रोबरी करने वाले आदमी थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। टोटल इसमें 5 लोग इन्वॉल्व थे, 5 के 5 अरेस्ट कर लिए गए और जो कार है वो भी बरामद कर ली गई है और 7 लाख के 7 लाख रुपये भी बरामद। तो किस प्रकार प्लानिंग की गई थी, क्या बताया जो जो अशोक और जो कंप्लेनेट है हमारा, अशोक कंप्लेनेट का दोस्त है, ये दोनों दोस्त है, इनका ड्राइवर गौरव है। गौरव जब भी कहीं आते जाते साथ जाता था, जब भी इनके पास पैसा होता तो उसको मालूम होता था कि इनके पास पैसा है। और अशोक और गौरव ने मिलकर प्लानिंग करी कि कुछ और बंदे बुला के आज इनके पास पैसे हैं ये लूटे जाएंगे। तो अशोक गाड़ी में से इन्फॉर्मेशन दे रहा था, कंप्लेनेट के साथ बैठा था और उसके ड्राइवर ने और लड़के बुलवा के ये वारदात खोल दिया। सीसीटीवी फुटेज का भी फायदा हुआ? सीसीटीवी फुटेज का मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने जगह चुन के की है कि जगह गाड़ी रोकेंगे ताकि लगे कि ये रोबरी है, क्योंकि हमें थोड़ा सा शुरू से डाउट लग रहा था कि शायद ये रोबरी नहीं है, खुद का कुछ किया हुआ काम है। लेकिन वो कंप्लेनेंट को ना पता होकर उसके दोस्त करवा रहा था, इसलिए वो स्टोरी कुछ ऐसी लग रही थी। उसका नाम क्या, उसके दोस्त का नाम अशोक है जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था, वो पुराना रोड का रहने वाला है और कंप्लेनेंट का नाम विशाल है, ये कुछ चित्र का रहने वाला। सर 5 और रुपयों को जिनको पकड़ा है उनके नाम और कहाँ से? ये जो 3 तो हमारे कैथल के ही है, हरिपुरा के हैं, कैथल के एक खुराना का है, अशोक का जो खुराना का रहने वाला है, 2 हरिपुरा के रहने वाले और एक गाँव पड़ता है मालखेड़ी, एक वहाँ का है। तो इनका सर कोई पीछे अपराधी की जांच में रहा? हाँ, इनमें से 3 लड़के हैं, उनका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। उनमें से जो ये है प्रवीण है, ये 307वें और हट के मुकदमे में पहले अक्यूज रहा है और इसके अलावा एक हट का है 307 का, और जो संदीप है ये मारपीट और चोरी के मुकदमे में 4 मुकदमे इससे पहले उनमें भी अरेस्ट हो चुका है, और जो मोहित है ये रेप में और हट के मुकदमे में पहले भी अरेस्ट हुआ है। मिले कहाँ से गाड़ी वगैरह? ये हरिपुरा के रहने वाले हैं तो हरिपुरा से इनको गिरफ्तार किया। टीम में कितने लोग थे सर? इसमें इंस्पेक्टर शही की टीम में सब इंस्पेक्टर कश्मीरा थे और इनके 3-4 मुलाजिम और साथ थे, जो तसीम था इसकी इन्फॉर्मेशन भी थी कि ऐसी बात हुई है और उन सबने गिरफ्तार किया। कलयुग कहाँ से मिला, मतलब बुट्ठी कहाँ से सुनी? बुट्ठी पहले तो क्योंकि कंप्लेनेंट ही डाउटफुल लग रहा था, तो उससे जब पूछताछ करी कि पैसे के बारे में पता किस किस को था, क्योंकि पैदल आना और किसी को पता होना कि पैसे इसमें है, तो वहां से कुछ हमें डाउट हुआ। फिर इन्फॉर्मेशन एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई कि ये करने वाले ये लोग ही हैं, तो उसके बेस पर फिर आगे बात चली। फिर हमने कॉल डिटेल्स को चेक किया तो अशोक की कॉल डिटेल भी पाई गई उनके साथ जिनको वो इन्फॉर्म कर रहा। तो इसमें सर कंप्लेंट की साजिश थी? कंप्लेंट को मालूम नहीं था, उसके दोस्त को मालूम था जो उसके साथ ही गाड़ी में बैठा था, तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि यहाँ पहुंच गए और अब यहाँ पहुंच गए। ठीक है, जल्दी पूरे मिल गए, नहीं तो शायद कम हो जाते।